प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है कि हर वोटर की राय जानने की कोशिश की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि समाज के किस हिस्से की सियासत में भागीदारी कितनी है। ये भी देखा जाएगा कि कौन सा तबका क्या सोचकर या किस उम्मीद के साथ वोट डालने का फैसला कर रहा है। हिमाचल में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि औरतों की भागीदारी कितनी है और उनके मुद्दे क्या हैं। तिहाई आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए कुछ शर्तें रख देती हैं। नतीजन न सहमति हो पाई और न संसद में बिल पास हो सका है। इसी दौरान ये सवाल भी सामने आया कि संसद में महिला आरक्षण का बिल चाहे कभी भी पास हो, लेकिन हर पार्टी को अपने पदाधिकारियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में औरतों को एक तिहाई हिस्सा देना चाहिए। सिद्धांत की ये बात अमल में नहीं आई। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर औरतों की भागीदारी सामाजिक और आर्थिक जीवन के मुकाबले सियासत में बहुत कम रही है। एक तरफ वोट डालने के मामले में औरतों का हिस्सा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ विधानसभा में उनकी गिनती लगातार एक सी रही है। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में 7 महिलाएं चुनाव जीती थी। इसे छोड़ बाकी हर चुनाव में महिला विधायकों की गिनती 3 से 5 तक रही है। इस वक्त विधानसभा में 5 महिला विधायक हैं, जिनमें से 4 भाजपा और 1 कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं। इस बार कांग्रेस ने 4 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने 7 औरतों को टिकट दिए हैं। सवाल यह है कि जिस राज्य में औरतें मर्दों से ज्यादा वोट डालती हैं, वहां पर सियासत में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय सहगल, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महिंद्रा बंगालिया, जो सिरमौर में एक एनजीओ में काम करती हैं, नीला पवार, जो एमसीएम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाती हैं। इसके अलावा हमारे साथ शिमला से सीधे जुड़ रही हैं रचना गुप्ता, जो दैनिक जागरण में ब्यूरो हेड हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। सहगल साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। यहां पर लगातार जो पार्टिसिपेशन है एज फार एज वोटिंग इज कंसर्न्ड, औरतों की बढ़ रही है, लेकिन बाकी जो उनकी गिनती है विधानसभा में, लोकसभा में, वो तकरीबन एक जैसी है, वो नहीं बढ़ रही है। देखिए, वो बड़ा बड़ा साफ नजरिया हमारे सामने आता है कि अगर उनकी पार्टिसिपेशन वोटिंग में बढ़ रही है, उम्मीदवारी क्यों नहीं है। उसका कारण ये है कि अभी भी पुरुष प्रधान समाज जो है वो राजनीति में भी हावी है। महिलाओं को जो अवसर दिए जाना चाहिए, जो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वो मैं समझता हूं कि नहीं है, न मात्र का है। एक मिसाल के हिमाचल में जब ये पंचायत चुनाव हुए और उसके लिए कानून में तरमीम करके उनको ज्यादा 50% किया गया, आप देखिए कितना असर पड़ा। वो एक तरह की इंस्पिरेशन थी, उसके माध्यम से काफी महिलाएं आगे आई हैं। तो ये प्रश्न हर चुनाव से, मैं समझता हूं कि मेरे पास एक बड़ी एक दिलचस्प मिसाल है कि 1952 में पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ा था राजकुमारी अमृत कौर ने कांग्रेस की तरफ से, मंडी महासू होती एक, और वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रही और वहां से हमारा वो खाता शुरू हुआ। उसके बाद लेकिन उसके बाद लोकसभा में सिर्फ 2 और महिलाएं जा पाई हैं अभी तक, केवल 2 जा पाई और राज्यसभा में गई। राज्यसभा में आप जानते हैं नॉमिनेशन, राज्यसभा में तो लगातार नॉमिनेटेड होती रही हैं 5-6। मेरा आक्षेप किसी दल विशेष पे नहीं, सबके साथ है कि हम बात बहुत करते हैं कि भाई महिलाओं को आगे ले, बताइए आप 50% जो उनको 33% आरक्षण की बात हो रही है वो आज तक बिल पास ही नहीं हुआ है। तो वो हमारे जो संकल्प की शक्ति का अभाव दिखाता है। हाँ जी, महेंद्रा जी, जो लगातार एक बहस चल रही है कि पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, वहां पर 1/3 जो रिजर्वेशन औरतों के लिए होनी चाहिए। जी जी। हिमाचल जैसे जो राज्य में जब पार्टियां टिकट देती हैं तो बहुत कम उम्मीदवारों को टिकट देती हैं, आप क्या देखती हैं इसके पीछे? इसमें एक बात है कि जो जैसे कि सर ने भी कहा, सहगल सर ने कहा पहले, कि जो पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक पार्टियों की जो इच्छा शक्ति है ना जी, वो महिलाओं पे कोई दाव नहीं लगाना चाहते हैं। और
जिस तरह की पृष्ठभूमि रहती है जी, कि जो महिलाएं हैं भी है वो उनकी पृष्ठभूमि जो है या तो राजवाड़ा परिवार से है या उनकी पृष्ठभूमि में परिवार में पीछे कोई ना कोई राजनीति से जुड़े हुए सशक्त लोग रहे हैं, उनको मतलब मौका दिया जा रहा है। अभी भी जो वहां पर विधायक हैं महिलाएं, उनमें से जो ज्यादातर हैं वो इसलिए वहां पर हैं क्योंकि उनकी एक पृष्ठभूमि है जिसमें बहुत बड़ा मतलब एक सियासी जिसको हम घराना कहते हैं वो है उसके पीछे, चाहे वो विद्या स्टोक हों या उर्मिल ठाकुर हों। नीला जी आप क्या सोचती हैं इस मामले में? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि शायद जो पार्टीज हैं या जो टिकट देने वाले हैं उनको कहीं कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं हम फीमेल्स को ले आए आगे तो शायद वी लूज दैट सीट। तो इसी क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो है ही है, तो इसके लिए वो चाहते हैं उनको पूरा कन्फर्मेशन चाहिए कि हमें सीट लेनी ही है, सो दे प्रेफर कि हम लोग मेल्स को ही सीट दें और कोई फीमेल है तो वो ऐसी बैकग्राउंड से हो ताकि उनकी दैट इज श्योर, उनका द विन इज श्योर। हम चलते हैं शिमला। रचना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो हिमाचल में बाकी अन्य जो एरियाज हैं वहां पर महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में महिलाएं इतनी पीछे क्यों हैं, उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? भागीदारी इसलिए कम है क्योंकि पार्टियां महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती हैं और टिकट ना देने की वजह यह है कि वो विनेबिलिटी नहीं मानते हैं कैंडिडेट की। अगर विनेबिलिटी माने तो ऐसा नहीं है, टिकट मिल भी रहे हैं। भाजपा ने पहली बार इस बारी जो इस बारी इलेक्शन में 2012 में 7 कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट को टिकट्स दिए हैं जिनमें से 3 बिल्कुल नए फेसेस हैं। वो इसलिए दिए हैं क्योंकि पिछली बारी जब 2007 में हिमाचल में विधानसभा इलेक्शन हुए थे तो उस 2007 में 4-5 कैंडिडेट बीजेपी ने महिलाओं के दिए थे, उनमें से 4 जीत गए। पिछली बार चुनाव में 6 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 4 उम्मीदवार जीत कर आए थे। हाँ, 4 उम्मीदवार जीत कर आई थी भाजपा की महिला उम्मीदवार। हाँ जी, और पहली बार ये हिमाचल की इतिहास में हुआ है कि 7 कैंडिडेट बीजेपी ने महिलाओं को टिकट दिया है। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे एक दृष्टिकोण पार्टियों का भी बदल रहा है। वो इस वजह से भी है जैसे अभी सहगल साहब ने भी कहा कि पंचायतों में 33% आरक्षण के बाद, 50% आरक्षण के बाद और महिलाओं का एक महिलाओं के प्रति राजनीति में आने का एक नजरिया बदला है। लेकिन निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल है खासतौर पे भाजपा और कांग्रेस, वो पहले विनेबिलिटी देखती है, जीतने की क्षमता। इस लेकिन इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर वो विनेबिलिटी के लायक उस महिला उम्मीदवार को कोई पार्टी ग्रो करना चाहती है तो उसको पार्टी में उस ढंग से ग्रो नहीं करवाया जाता, ये एक ड्रॉबैक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूं कि सोलन में शीला नाम की महिला को भाजपा ने जो टिकट दिया है, वो जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही है, एक्टिवली भाजपा में उसने काम भी किया है, तो इस वजह से वो अब उसको टिकट दिया है। तो इस तरह के एग्जाम्पल अगर पार्टी में ग्रास रूट से महिलाएं भी काम करें और ऊपर आए तो कोई उनके टिकट को रोक भी नहीं सकता है। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। सहगल साहब, जो एक बात लगती है कि यहां तक बेनेविलिटी का मसला है, बेनेविलिटी का जो फार्मूला है वो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ औरतों पे ही अप्लाई होता है। हाँ, जबकि अदरवाइज हमने देखा है कि जैसे टिकट बांटे गए, जैसे लोगों ने दावेदारियां पेश की, उसमें बेनेविलिटी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। हाँ, उसमें देखिए अभी भी हमारे यहां भी आप राज्य की बात करें, देश की भी बात करें, परिवारवाद, कुनबा परस्ती, उसी को कह लीजिए आप, और आपकी फॉलोइंग, आपके पीछे कितना भीड़ तंत्र कितना है आपके साथ, ये भी है। और ये रचना ने बड़ी अच्छी बात कही कि इसके लिए हमें पार्टियों को ही नहीं, समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। जैसे सोलन में किसी का इन्होंने नाम लिया, तो महिलाओं को हम सिर्फ वायदा इन्या करते रहे कि हम आपके समान अधिकार होंगे, आपको महिला सशक्तिकरण होगा, उसका प्रचार करते हैं हम, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आपको उसको लागू करना भी है। एक उर्दू की एक पंक्ति है कि तू भी बदल फलक के, जमाना बदल गया, द टाइम हैज चेंज्ड। महिला ने, आप खुद कह रहे हैं और बड़े गर्व की बात है, हिमाचल की महिला ने हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, उसने बड़ी बाजियां जीती हैं।
बड़ा नाम कमाया तो राजनीति में आए आगे वो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूत्रा नाम की एनजीओ के फाउंडर और डायरेक्टर सुभाष मेहंदापुरकर, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सुभाष जी, हिमाचल में जो औरतों की पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो इतनी कम क्यों है, आप क्या देखते हैं इसके पीछे? आप पार्टिसिपेशन किसी किसको कहते हो, सिर्फ कैंडिडेट बनने से कहते हो या वोटिंग परसेंटेज से देखते? जहां तक तो वोटिंग परसेंटेज का सवाल है वो महिलाओं की लगातार बढ़ रही है, लेकिन जहां पर फैसले करने का मसला है, विधानसभा में जाके लोकसभा में बैठ के पार्टिसिपेट करने का मसला है, उस मामले में बहुत कम है। नहीं, उस मामले में कम तो पूरे देश में जो परिस्थिति है वही हिमाचल में है, लेकिन ये देखना होगा कि आज किसी भी पार्टी का कोई पुरुष या महिला कैंडिडेट हो, उनको पता है कि जब तक महिलाओं के वोट उनको नहीं मिलेंगे तब तक उनकी विनिबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से ये पार्टिसिपेशन जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर दो, जो महिलाएं चुनकर जाती भी है उन्होंने ऐसा कौन सा महिलाओं के लिए काम किए हैं, ये भी तो देखने वाली बात बनती है ना। अगर भाजपा में चार महिलाएं थी या कांग्रेस में चार महिलाएं थी, उन्होंने कौन से हिमाचल के महिलाओं के दुख दर्दों को दूर करने का प्रयास किया, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि एक बार आप असेंबली में जाते हो तो आपको पार्टी के बंधनों में रहकर ही काम करना होता है, और पार्टियां तो कोई भी पार्टी वो बेसिकली पैट्रियार्कल है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का पुरुषों से हमेशा ज्यादा रहा है हिमाचल में, और ये पार्टिसिपेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। महिंद्रा जी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सुभाष जी ने को कहा है, क्या इसके साथ कि जितने सेंसिटिवली वहां पर विधानसभा में बैठे लोग मुद्दे उठाएंगे औरतों के, वो ज्यादा मायने रखता है या उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए? सर, मैं दोनों बातों पे सहमत हूँ, लेकिन संख्या भी मायने रखती है। अब चार महिलाएं पांच महिलाएं 68 लोगों के 68 सीटें पूरी है, उसमें चार महिलाएं बैठ के क्या महिलाओं के बारे में वो डिसीजन ले लेगी, तो आंकड़ा भी मायने रखता है। लेकिन दूसरा सवाल जो वो कर रहे थे वो ये था कि जो महिलाएं वहां पर बैठी हैं उन्होंने भी महिलाओं के कौन से मुद्दों पर क्या काम किया है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उन्हीं मुद्दों को रेज करने के लिए वो कितनी कैसी रही है? सर, एक चीज और भी है ना जी, कि मेल फीमेल होना काउंट नहीं होता, जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो भी काउंट करती है, पर मेरे हिसाब से जो है वो आंकड़े भी मायने रखते हैं। और अगर मेजोरिटी में नहीं है अंदर आप, तो क्या आप क्या डिसीजन ले लेंगे? क्योंकि जितने भी डिसीजन फैसले होते हैं वो हायर लेवल पे ही होते हैं, कोई कानून पारित करना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो वो अपर लेवल पे ही होता है। और इस तरह से जो 33% का भी जो बात है विधानसभा विधानमंडल और संसद में जो देने की बात है, ऐसा हमें दलजीत जी, हाँ जी, हाँ जी, रचना, विधानसभा की रूटीन कवरेज में हम लोगों ने ये देखा है कि हिमाचल में बहुत कम ऐसी महिला रिप्रेजेंटेटिव एमएलए हैं जिन्होंने हिमाचल के महिलाओं से रिलेटेड इशू उठाए हों विधानसभा में, चाहे क्वेश्चन की बात हो या कोई डिस्कशन की बात हो, या तो महिलाएं अपने तौर पर कोई महिला इशू उठाती नहीं है, अगर इशू आया भी हो डिस्कशन के तौर पर तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो इनका बड़ा वाजिब पॉइंट है कि महिलाएं विधानसभा में होना और महिलाओं के इश्यूज विधानसभा में डिस्कस करके किसी सॉल्यूशन तक पहुंचना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए मैं ये इनकी इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में पहुंचना ही अपने आप में काफी नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि महिलाएं पॉलिटिकल फील्ड में कितना काम कर रही है। हाँ जी रचना, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर। सहगल साहब, आप कुछ कहने लगे थे। मैं ये कह रहा था कि एक प्रश्न को सिर्फ महिलाओं तक सीमित न कर दिया जाए। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई संख्या बल चाहिए तभी आपकी बात होगी, लेकिन समूचे सदन में तो बात उठाई जाती है। और ऐसा मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हिमाचल में कोई पार्टी हो सत्ता में कि महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ है, महिलाओं की आवाज नहीं उठी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा चलती हो, उनको सशक्तिकरण चाहिए।
मुझे याद आता है डॉक्टर परमार के दिनों का, आई वॉज एट शिमला, उनकी एक किताब छपी थी पोलेंड्री इन हिमालयस, हिमाचल हिमालय में बहुपत्नित्व और बहुपतित्व को लेकर वो किताब थी, और वो डॉक्टर परमार की, डॉक्टर वाईएस परमार निर्माता रहे हिमाचल के, उनका सोशियोलॉजी का थीसिस था, वो किताब छप गई, तो उसमें उन मुद्दों को लेकर भी क्यों बहुपतित्व क्यों होता है, दैट वॉज ए सोशियोलॉजिकल। हिमाचल में उस वक्त एक तरह की महिलाओं की तरफ से ये श्रीमती स्टोक्स ये भी आगे थी और जितने भी थे खूब विरोध हुआ, इस्तीफा दें ये दें, लेकिन बाद में वो फिर जब डॉक्टर परमार ने समझाया कि मैं तो आई एम पुटिंग ए फैक्चुअल चीजें रख रहा हूँ, तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो हमारी हमारा महिला वर्ग हिमाचल से जो है उनको जुबान नहीं है, वो बातें उठाती हैं, लेकिन हम फिर उसी बात पर लौटते हैं कि अभी भी मैं समझता हूं कि महिलाओं से संबंधित विषय और महिला प्रतिनिधि वो बड़े उपेक्षित हैं। मेरा गांव, मेरी जगह है सवाटू, छोटा सा कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसमें एक लड़की ये पंचायत में ने सुना रहा था, पंचायत को जब आपने प्रतिशत बढ़ा दिया तो वो लड़की ने इलेक्शन लड़ा, छावनी बोर्ड का मानसी कुछ उसका नाम है, उसकी माँ, मैं सगर्व कहता हूँ, सम्मान करता हूँ, उसकी माँ सड़क के पास बैठ के रूढ़ी कूटती थी, और वो लड़की एथलीट राज्य स्तर पे, आज वो लड़की इतनी अच्छी तरह से छावनी परिषद में रिप्रेजेंट करती है, और हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ और लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की लड़कियां, इस तरह के लोग आगे आए, ताकि। लेकिन सहगल साहब, जब जो विधानसभा में संख्या बल होता है उसी का एनालिसिस करते हुए हम ये भी कंक्लूजन निकालते हैं क्योंकि पैट्रियार्की है इसलिए वहां पर महिलाएं कम हैं। हाँ। अगर वही संख्या पैट्रियार्की को भी रिप्रेजेंट करती है और वही संख्या सेंसिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करती है तो हमें कहीं ना कहीं तो अपनी जो सोच है, जो समझ है, उसको दुरुस्त करना होगा कि ये क्या है। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू अलाउ मोर एंट्रेंस, ज्यादा महिलाओं को। महेंद्रा जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं के जो सिर्फ महिलाओं के हैं, जनरल इशू नहीं है, जो इसलिए बाहर रह गए हैं क्योंकि वहां पर नुमाइंदगी कम है? सर, मुझे लगता है कि एक तो जो अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, वो एक है, और इसमें रिस्क फैक्टर भी है। ये शायद आपके सवाल से हट के बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिस्क लेना चाहिए महिलाओं के साथ में, और महिलाओं के जो खासकर मुद्दों की बात है, रिस्क की वो हार जाएंगी, हार भी सकती है, जीत भी सकती है, रिस्क तो हार वो तो हर, वो तो हर उम्मीदवार के साथ रहेगा, वो मायने नहीं रखता कि वो औरत है या महिला, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने अगर वहां पर 6 उम्मीदवार उतारे थे महिलाएं उम्मीदवार, उनसे 4 जीती हैं, तो तकरीबन उतना ही रेशो है जितना बाकी लोगों का है। वो महिलाओं के लिए स्टिग्मा क्यों है कि मतलब ये जीत के नहीं आएगी, रिस्क। तो मैं कह रही हूँ कि अगर महिलाओं के साथ कुछ करना है तो एक तो जो 33% रिजर्वेशन का जो बिल अटका हुआ है संसद में वो पारित होना चाहिए, क्योंकि 33% जो है वो जिला परिषद और जिला परिषद तक दिया गया है और नगर पालिका म्यूनिसिपल का जो है, तो इसको पारित करना बहुत जरूरी है। जो महिलाएं मतलब डीडीसी जिला स्तर से निकल के जो आगे जा रही है उनके लिए बैरियर है, अगर वो चाहे किसी भी लेवल पे आगे जा रही है, जब तक ये उनको अपॉर्चुनिटी उस घर में घुसने के लिए नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। हाँ जी, नीला जी, आप क्या सोचती हैं इस मामले में कि एक तरफ तो हर एरिया में मौके मिल रहे हैं और वहां पर उतना रिस्क फैक्टर नहीं है महिला के साथ जुड़ा हुआ कि यहाँ पर ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी, सिर्फ यहाँ पॉलिटिक्स में ही क्यों है ऐसा? हाँ, इसमें कुछ ऐसा है कि शायद जो कैंडिडेट्स वहां गए हैं वो उतनी अच्छी तरह से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं शायद उनमें कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया है। नेचुरली जब आपको किसी उसके लिए लड़ना पड़ता है तो आपको उसके लिए बेटर वे में प्रूव करना पड़ेगा आपको। इसके लिए फीमेल्स को चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए वो गई है उसके लिए पूरी एजुकेटेड हो, मतलब एजुकेट करें, अपने आप को अवेयर करें एंड एक पूरा पार्टिसिपेशन ले, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, लोगों में भी उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, शायद ये काम कर जाए एंड दे गेट द टिकट्स एंड मोर एंड मोर नंबर विल बी इंक्लूडेड इन दैट। रचना, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब महिलाओं की बात आती है तो तुरंत उनकी जो परफॉर्मेंस की बात आती है, ये महिलाओं की भागीदारी के ऊपर एक प्री कंडीशन क्यों है कि आपको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आप वहां जा सकती हैं? वहां पर जाना और जाके परफॉर्म करना ये दूसरा मुद्दा है? नहीं,
ये बात ठीक है कि महिलाओं से वैसी एक्सपेक्टेशन की जाती है जैसे पुरुष से की जाती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो महिलाओं को हमेशा तुच्छ समझता है। ये बात सच है, कोई इसको माने ना माने, लेकिन महिलाओं का को पुरुष के बराबर समझने का सोसाइटी ने कोई बेसिक तौर पे काम नहीं किया। यही बात राजनीति में भी लागू होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाओं को अगर मौका दिया जाए तो वो पुरुषों से भी आगे निकल जाती है। सिर्फ बात यह है कि बाध्यता होनी चाहिए, जिस तरह से दूसरी किसी भी श्रेणी में किसी को जगह देने के लिए आप आरक्षण की बात करते हैं, तो वैसे ही महिलाओं की राजनीति में अगर आरक्षण की बात होती है तो एक बाध्यता हो जाएगी पुरुष प्रधान समाज में कि उसको 33% या जितना भी प्रतिशत आरक्षण देना है वो आगे आएगी। जब आगे आएगी उसको एक बारी मौका तो दो, एक बारी आगे आएगी तो वो अपना प्रूफ डेफिनेटली अपना वर्थ प्रूफ करेगी। जैसे आप देख लो, विद्या स्टोक्स हैं, आशा कुमारी है, अनीता वर्मा है, रेणु चड्ढा है, जो सिटिंग एमएलए की अभी हम बात करें, तो एक बारी जब उनको आपने मौका दिया तो उनको पहली बारी तो समझने का मौका मिलेगा, फर्स्ट टर्म में वो समझेंगी, सेकंड टर्म में जब आप दोबारा मौका देंगे तो फिर वो उससे बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि अनुभव आदमी को बेहतर प्रदर्शन करने का तरीका होता है। तो इसलिए आप कम से कम एक बाध्यता दें जिससे महिलाओं को मौका मिले और वो प्रूव अपने आप करेंगी। महिलाओं के बारे में जैसे एक आमतौर पर दलील ये दी जाती है कि महिलाएं पीटी उषा हैं, कल्पना चावला हैं, या किसी बड़े नाम के साथ जोड़ के देखा जाता है कि वो कर सकती हैं। जब मर्दों की बात आती है तो उनके साथ नहीं कहा जाता कि उनको मिल्खा सिंह बनना चाहिए, उनको सचिन तेंदुलकर बनना चाहिए, या सभी को अमिताभ बच्चन ही बनना चाहिए। समाज की सोच को बदलना, यही तो मैं दलजीत जी कह रही हूँ कि समाज की सोच को बदलना होगा। अगर समाज अपनी सोच बदल नहीं रहा है तो बाध्यता लानी होगी, और बाध्यता कहाँ आएगी, सरकारी स्तर पर आएगी, जब कोई एक कानून पास होगा कि नहीं महिलाएं भी बराबर की हैं। लेकिन आप देखिए कि जितना इस बार ही अगर 23 लाख वोटर हिमाचल में, जो इस बार के वोटर्स हैं 23 लाख वोटर हैं पुरुष, तो 22 लाख आपकी महिलाएं हैं। अब वोट देने का परसेंटेज जो होता है वो पुरुषों का कम होता है और महिलाओं का ज्यादा होता है। मतलब मेरा कहना क्या है कि आप वोट तो एक महिला से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो महिला आपको वोट देके आपके पुरुष को जितवा के विधानसभा में पहुंचाए, लेकिन आप महिला को कैंडिडेट नहीं बना रहे हो, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरे समाज को सोच बदलनी होगी और बाध्यता लानी होगी। महेंद्र जी, जब चुनाव हो रहा है इस वक्त मुद्दों की बात हो रही है, और इसी वक्त जो महिलाओं को लेकर आप सेंसिटिविटी की बात करते हैं या एक सोच बदलने की बात करते हैं, उस मामले में भी ये मुद्दा बहुत अहम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है जी। और इस मुद्दे पर किस किस्म की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, किस किस्म की एक्टिविज्म हो सकता है? एक्टिविज्म तो अब ये है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी पार्टीज कोई भी है वो वोटरों के पास तो आएगी, तो महिलाओं जो एक्टिविस्ट हैं, महिलाएं जो हैं चाहती हैं कि सही में महिलाएं आगे बढ़ के आए, तो उनको अपना कंडीशन करना चाहिए कि भाई हम ठीक है जिस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में या उनके जो लिस्ट है उसमें अगर उनका महिलाओं का मुद्दा प्रायोरिटी पे है तो महिलाएं उस पार्टी को वोट दे, वो मतलब एक एजेंडा हो सकता है कि भी हम उसी पार्टी को मतलब बहुमत से लेके आए या उन्हीं को वोट दें जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को प्रायोरिटी दी है। हाँ जी, अभी हमारे साथ सुभाष जी फिर जुड़ गए हैं। सुभाष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा मुद्दों की बात होती है और बहुत जो पॉलिटिशियन है उनको मजबूरी बस ही सही अपने कान खोल के चलना पड़ता है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए जो इस वक्त चुनाव का हिस्सा होना चाहिए? तीन प्रमुख मुद्दे है हिमाचल प्रदेश में। एक तो एकल नारियों का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज 17% महिला एकल नारियां है, तो उनके लिए कोई भी नीति गत कोई कार्यक्रम कोई नहीं बना रहा है। तो एकल नारियों से संबंधित जो सवाल है उसके ऊपर किस पार्टी का क्या रवैया है यह हमको देखना होगा। नंबर दो जो है वो है एनीमिया। आज दो में से एक गर्भवती महिला हिमाचल प्रदेश में एनेमिक है, तो ये एनेमिया है क्यों? अगर हिमाचल ने इतनी आर्थिक प्रगति करी है तो महिला इतनी एनेमिक क्यों है? और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो लिंग निर्धारण करके जो अबॉर्शन किए जाते हैं उसके ऊपर भी हमको बातचीत करनी होगी। ये तीन प्रमुख मुद्दे हैं जिसके बारे में हर एक पार्टी को ध्यान देना होगा, और जिसके मैनिफेस्टो में इसके बारे में बात होगी उसके लिए महिलाएं जरूर वोट देगी।
हाँ जी सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छे से तीनों मुद्दों को चिन्हित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप वहां पर चुनाव प्रचार को लगातार देख रही हैं, इन मुद्दों पर कौन सी पार्टी क्या बात कर रही है? देखिए, अभी मैनिफेस्टो दोनों पार्टी ने तैयार नहीं किए हैं, अभी उसका ड्राफ्ट बन ही रहा है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। रिलीज शायद ये इलेक्शन वोटिंग डेज के एक दो हफ्ता पहले करेंगे, ताकि इसका दूसरी पार्टी कोई क्रेडिट ना ले पाए। लेकिन ये सब मुद्दे आए नहीं हैं, जो तीनों मुद्दों का जिक्र इन्होंने किया है वो किसी भी पार्टी के पास डिस्कशन के लिए, मैनिफेस्टो में इनरोल होने के लिए आए नहीं है। इसी से पता चलता है कि पार्टियां महिलाओं के अधिकारों के प्रति कितनी संजीदा है या महिलाओं के बारे में कितना सोचती हैं। ये इन्होंने ठीक बात करी है कि एकल नारी का है, लेकिन एकल नारी का टोटल परसेंटेज बहुत कम बनता है, शायद इस वजह से इन्होंने इतना बॉदर नहीं किया। लेकिन जनरल इशू, जैसे किन्नौर का भी एक इशू था कि उसमें महिलाओं को संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, वो एक बड़ा इशू है। इस तरह के छोटे छोटे इशूज बहुत ज्यादा है, लेकिन जनरल इशू में आप देखिए, रोज महंगाई से औरत भिड़ती है, महिला भिड़ती है, पेट्रोल डीजल ये सब महंगा हो गया है, और इसके अलावा पानी लेने के लिए महिलाएं घड़े भरकर मिलों चलती हैं, घर के लिए पानी लेके आती हैं, ये सब इशू हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने स्ट्रांगली मैनिफेस्टो में इनको डाला है, या कोई विमेन प्रोमिसेस लेकर पार्टी जा रही है। क्लियर कट बात है कि कोई भी पार्टी महिलाओं के इश्यूज पे हिमाचल में कम से कम संजीदा नहीं है। हाँ जी सहगल साहब, एक बात है कि बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप चुनाव प्रचार करते हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके चुन जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें होते हैं, ये उन्हीं मुद्दों में शामिल रहेगा? हाँ नहीं, अगर केवल उसी में शामिल करना है तो कोई बात नहीं बनती, क्योंकि आमतौर पर सियासी पार्टी करती तो ऐसी, उसके बाद आप सो जाओ पांच साल तक के लिए, फिर तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, आप इजाजत दें, एनजीओ की बड़ी भूमिका होती है हिमाचल में भी, यहाँ भी बैठे हैं, हिमाचल में भी महिलाओं के क्षेत्र में एनजीओ ने बहुत काम किया है, तो ये जागरूकता उनके माध्यम से भी आती है, तो उनके लिए भी अभी ये समय है जब वो बहुत सारा काम कर सकती हैं। बिल्कुल। हाँ जी, मेरे आप इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश देश के प्रगतिशील राज्यों में से एक है, लेकिन इस प्रगति में जब औरत की भागीदारी का आंकड़ा देखते हैं तो ज्यादा संतोष नहीं होता। समाज को बनाने और संवारने में औरतों की बराबर की भूमिका रही है, सरकार बनाने में वो मर्दों से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही हैं, तो सरकार चलाने में उनका हिस्सा कम क्यों है? इसी सवाल के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।